मछली जैसा बन गया है चिकन पक्का मछली इस साइड से ज्यादा लग रहा है क्या बात कर रहे हैं दोनों साइड हाँ दोनों साइड जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं ना वो कुछ भी करते हैं तो आर्ट बनी जाती है। अच्छा What's up guys, welcome back to another mukbang. Peter Magnan की तरह लगा होगा, बट जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया तब से मेरा बहुत मन था कि एक बार तो मुझे ऐसे वीडियो स्टार्ट करना ही करना है। What's up guys, welcome back to another mukbang. आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी टाइम से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते थे कि काफ़ी लोग बहुत टाइम से मुझे कमेंट कर रहे थे कि फुल तंदूरी चिकन पे वीडियो करो, और भाई ये चीज़ घर में ही बन सकती है। बहुत मुश्किल है कि किसी रेस्टोरेंट में ये चीज़ अवेलेबल हो, या हो सकता है वो लोग आपकी रिक्वेस्ट में इसे बना दें, बट घर में बनाना एटलीस्ट मेरे बस की तो नहीं थी। बट समहाउ दिव्या वर्मा, मेरी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर, उन्होंने ये चीज़ घर में बनाई है अपने चैनल के लिए भी, और साथ ही साथ जो भी वो अपने चैनल में बनाती हैं वो मुझे देती हैं टेस्ट रिव्यू के लिए। तो उन्होंने एज इट इज़ मुझे दिया ये, इसमें मतलब मेरा ज़ीरो योगदान है। ये ड्रेसिंग और ये प्लेट भी उन्हीं की है, क्योंकि कोई इतना बड़ा टिफिन टाइप कुछ था नहीं उनके रखने के लिए, तो उन्होंने एज इट इज़ मेरे को दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। थोड़ा सा मसाला रेड ने टेस्ट करा भाई, वो दीवाने से हो रखे हैं अभी इसके कि भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही साथ भानु भैया को भी मैं वीडियो में बुलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी इसे टेस्ट करें। बहुत ज़्यादा गजब लग रहा है, बहुत ज़्यादा। फरावत से भानु भैया को बुलाते हैं और कहते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो फाइनली भानु भैया भी आ चुके हैं, और साथ ही साथ मैं आज बाहर गया था तो मैं ये चिकन पेपरोनी गार्लिक ब्रेड ला रखा हूँ, और एक चीज़ एंड कॉर्न चीज़ बर्स्ट रेगुलर पिज़्ज़ा ला रखा हूँ डोमिनोज से। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें फटाफट से करते हैं अपनी परंपरा से स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं अपना चीज़ एंड कॉर्न चीज़ बस से, और भानु भैया कर रहे हैं चिकन पेपरोनी गार्लिक ब्रेड से। टिप इट, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। अच्छा ये पेपरोनी की स्मेल है। चिकन पेपरोनी थोड़ा डाल लूँ तो खा लेता है। जो भी चीज़ें ईडेबल है मैं सब खा सकता हूँ। डोमिनोज़ का फेवरेट भी है। कुत्ता क्यों भाग रहा है बेवजह? आज तुमने वाला कैसा मंगा लिया? दिमाग से निकल गया। मतलब दो लिए थे ना? यही ये नहीं, एक डबल चीज़ मार्गरेटा लिया था, एक ये लिया एवरीडे वैल्यू के लिए। मेरे को एक और करना था लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं डबल चीज़ मार्गरेटा ही कर सकता हूँ। बट एनीवे अब मेरा मन कर रहा है इसे ट्राई करने का। नींबू वगैरह बाद में डालूंगा मैं, पहले ऐसे मैं तो अपने वाले में डालूंगा, पहले ऐसे टेस्ट करके देख लेते हैं। तेरे को भी दूं काट के? नहीं नहीं आप खाओ। प्रॉपर स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। मस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है जैसे लकड़ी के उस पर चूल्हे पर बनता है ना, गजब का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। इतने बड़े नींबू कहाँ से मिलते हैं? घर का लग रहा है मेरे को। बहुत बड़े नींबू है।
आपके शिप में तो बनते होंगे फुल ऐसे शिप में ऐसे वाले पार्टी वार्टी के दिन बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं। मतलब बनते तो हैं क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैसी बट वर्थ इट। इमेजिनेशन भी गजब का है। मसाले बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई। इसकी रेसिपी उसके चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मस्त हो रहा है। मैं पहले सोच रहा था इसके साथ कुछ रुमाली रोटी वगैरह भी मंगाता। ना ना ये तो ऐसी है, मज़ा डोमिनोज का डब्बा नींबू डाल के और अच्छा बना है ऐसा ही। वो इसको क्या इंग्लिश में रोटी सेरी चिकन बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ ऐसा ही कुछ बोलते हैं भाई साहब यार। इसका बस ये इसको ना चाकू वाकू फोर्क वोर्क से काट के खाया जा सकता है, बट कसम से यार घर पे बना हुआ तो लग ही नहीं रहा। ऐसा पूरा मुर्गा मिलता है, खुद ही तो नहीं काटते घर पे, किसी जानने वाले चिकन शॉप से लाई होगी। अंदर का पोर्शन भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब जितना होना चाहिए। हाँ जूसी हो रहा है काफी ज्यादा। इसका चटनी होती ना उसके बिना भी अच्छा रहा, वो हरी चटनी के साथ तो कॉम्प्लीमेंट करता ही, बट वैसे भी ऐसे चट कर जाए लोग तो। बेहतरीन, परफेक्ट। ऊपर जलाया भी नहीं है, कहीं से भी जलाओ भी नहीं। आई जस्ट होप दिख रहा हो भैया। अरे मेरा तो हो गया भाई, हो गया। नीचे भी चिकन खाना है ना, खा लो थोड़ा और। घर पे इतना बनवा रखा है उसका क्या होगा फिर, वो निपट जाएगा। कल मंडे है, तू नहीं खाता। आप तो खाते हो, मैं तो वैसे भी नहीं खाने वाले। ओहो ये तो मतलब ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता होगा फिर भाई। क्यों चिकन ऑयल में थोड़ी कुछ ज़्यादा करते होंगे, हल्का सा ऊपर ऊपर लगा के चार के आए बस ना। मतलब इसमें वैसा नहीं है ना कि ऑयल में तल रखा हो या ऐसा। मैं एक आज तलता हूँ। नहीं नहीं भाई तलावा तो नहीं है, तलावा समझ आता है इसको तो। बस हल्का हल्का इसको मैरिनेशन लगा के ऊपर हल्का सा ऑयल लपेट के और इसको गर्म करते रहते हैं। ओके इसकी रेसिपी देखनी पड़ेगी मुझे, मैं खुद को कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि हेल्दी है। अच्छा सब ठीक है, समझ भी नहीं आ रहा मैं कौन कौन सा पार्ट खा रहा हूँ। पिज्जा पर डाल के मस्त लग रहा है, क्या बात कर रहे हैं। पिज्जा भी वेस्ट करवाओगे बस। जरा तू पिज्जा पर हड्डी डाल के खा के देखो, बहुत बढ़िया हो गया भाई। अब खाऊंगा नीचे बटर चिकन, डैडी बना रहे हैं चिकन, बटर चिकन, बटर चिकन। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सॉरी इसमें गार्लिक ब्रेड खोल के पेपरोनी के साथ साथ इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चिकन, थोड़ा और चिकन, थोड़ा और चिकन, बहुत सारा चिकन। मैं दिखाना कितना डाले, थोड़ा सा ये डाला। और इसमें डालेंगे प्याज के लच्छे और ये ओह शिट वो नींबू वो पिचकाने वाला वो ले ले यार, तो वो जो टूल आता है ठीक है। और इसको करेंगे बंद, खा के देखते कैसा होता है। एक चीज़ की कमी रह गई,
रखो मछली जैसा बन गया कारी कर दिया देखता हूँ है चिकन पक्का मछली इस साइड से ज्यादा लग रहा है क्या बात कर रहे हैं दोनों साइड हाँ दोनों साइड जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं ना कुछ भी करते हैं तो आर्ट बनी जाती है अच्छा बाद में भानु भाई बचपन में ड्राइंग स्केचिंग वगैरह करते थे बहुत ही गजब बढ़िया तो मैं खुद भूल गया मगर ये फिश चिकन खा के देखो कहाँ से कौन सा बन यहाँ से खाते हैं तू खा मैं देखता हूँ क्या बनता है अब क्या बनेगा इसका लेट्स सी भाई हाउ इट इज जो अब सब्जियों का मिक्स टेस्ट आ रहा है चिकन पेपरोनी मैं बोल रहा हूँ जो आर्टिस्ट नहीं होते वो अच्छी खासी आर्ट को भी बर्बाद कर देते कैसे भी बहुत बढ़िया बात एक बढ़िया अमालगमेशन है हाँ चीज भूल गया क्या मेरे दिमाग में था क्या घेवर लाना घेवर घेवर आने लग गया भाई बरसात का मौसम है घेवर आ रहा है मेरे को बहुत मस्त लगता है हो तो बढ़िया रहा हो गया भाई खा लो खा लो खा लो भाई अरे खा लो खा लो मैं बोल रहा हूँ खा लो हो गया मेरा पेट भर गया मेरे को नीचे भी खाना है पढ़ तो मैं भी खाऊंगा नीचे बहुत हैवी मुर्गा था अरे हमने वो चीज़ बस पिज़्ज़ा भी खाया ना 8:05 हो रहा है अभी रात का और तूने ये खिला दिया तो वो डिनर है मैं जाऊँ भाई मेरे से ऐसे गर्मी में बैठना ना मुझे भाई लेट्स गो इन फॉर अ बिग बाइट अच्छा हो गया भाई मेरा जाओ तू तो फिनिश करेगा ना जितना हो सकता पूरा कर दो मैं इसे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा बार बार की लेयर तक सही है हाँ शक्ल ले जाओ बाहर बाहर की लेयर तक सही है इसलिए बोला क्योंकि अब ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ एक बात मतलब इस रूप में मैंने कभी भी चिकन को नहीं देखा है कभी भी नहीं देखा मैं खाता हूँ लेकिन मैं कटते हुए भी नहीं देख पाता हूँ तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था बट क्योंकि मैं खाता ही हूँ और मतलब खाली इस वजह से कि मेरे को देखने में वो थोड़ा सा वैसा लगता है उसका मतलब ये नहीं मैं ना खाऊँ बट अब डेप्थ में जाना है इसकी मेरे बस की नहीं हो पाएगी मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा कि मुझे मेरा मन ऐसा हो जाए कि मुझे चिकन छोड़ना पड़ जाए तो ये एक टेस्ट रिव्यू मान लो या एक छोटा सा मकबैन मान लो इसको पूरा फिनिश अपन नहीं करने वाले हैं थोड़ा सा घर वालों के लिए बचाएंगे एंड ऑनेस्टली मैं अंदर का नहीं खा पाऊँगा इट इज व्हाट इट इज मैन टेक इट और लीव इट
भानुभैया ने अपना ओपिनियन दिया, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा गजब, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मसाले, मैरिनेशन, कुकिंग परफेक्ट। हरी चटनी होती भाई गजब भाई, इससे ज़्यादा इन डेप्थ अगर मैं घुसूँगा तो मुझे अजीब सा ना हो जाए, बस ये डर है। आई बिलीव कि कुछ इतना भी अजीब नहीं होगा, बट आई एम जस्ट अफ्रेड कि अगर थोड़ा भी मेरे को अजीब लगा ना तो मेरा चिकन से विश्वास उड़ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम से चिकन नहीं खाऊंगा। फिलहाल अगर मैं इस चिकन की बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा गजब, वो स्मोकी फ्लेवर, सॉफ्ट सॉफ्ट चिकन, परफेक्टली कुक्ड और बेहतरीन मसालों का टेस्ट आ रहा है यार, परफेक्टली तंदूर किया हुआ, ओ भाई मतलब मज़ा ही आ गया मुझे। आप में से किसी को भी ये चीज़ ट्राई करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। दिव्या वर्मा का चैनल है वो जिन्होंने ये बनाया है, उन्हीं के चैनल पे आपको इसकी रेसिपी, पूरी की पूरी रेसिपी मिल जाएगी। डू चेक इट आउट अगर आप लोगों को ये चीज़ ट्राई करनी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये खा के मज़ा आ जाएगा। बाकी रही अभी की बात, तो अभी मैं फटाफट से नीचे जा रहा हूँ, घर में मेरे बटर चिकन बन रहा है, डैडी बना रहे हैं, उसको भी थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। Peace!